नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो अभी आप सभी को पता है कि एलपी का और टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल चल रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट के साथ, मतलब कि एक तरह से कहें तो, अब इसको गलत कहें या सही कहें कुछ भी समझ में नहीं आता फ्रेंड्स। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि जो एलपी का टेक्नीशियन, स्पेशली मुंबई वाले, मुंबई में ही जो भी प्रॉब्लम हो रहा, सारे बच्चे को मुंबई में ही प्रॉब्लम हो रहा। मुंबई में जैसा कि आपने देखा था, फ्लैट फूट की वजह से बच्चों को एकदम परमानेंट अनफिट कर दिया गया था। यहाँ पर भी जो है कि बच्चों को अनफिट किया गया है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, जो भी बातें होंगी मैं सारा के सारा आपको अपना दोनों व्यू रखूँगा। इसमें हुआ क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा। हाइड्रोसिल टेस्ट में जो के बच्चों को टेम्प्ररी अनफिट कर दिया गया। चलो अच्छी बात यह है कि टेम्प्ररी अनफिट किया गया है, ठीक है। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास एक स्टूडेंट का जो है सो कि एक्नोलॉजमेंट टू बी टेकन फ्रॉम कैंडिडेट है, मतलब मेमो है, उसमें जो है सो कि देख सकते हैं। मैं आपको डिटेल यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए जो है सो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हु वाज सेंट। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ डिटेल्स है यहाँ पे आपका जो है सो कि ये देखिए उनको ओपीडी नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ डेट है, उसके बाद नाम है, उनके पापा का नाम है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, क्या आइडेंटिव है, हु वाज सेंट। यहाँ पे देखिए डिटेल में लिखा हुआ हु वाज सेंट फॉर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन एज ए कैंडिडेट, उनको जो है सो कि मेडिकल एग्जाम सेंड किया गया A1 B1 के लिए। डेट क्या है, यहाँ पे डेट दिया हुआ है 26 जून 2019, यानी कि कल का ही आपका। और यहाँ पे BCT ये मुंबई में, सारा प्रॉब्लम जैसे कि फ्रेंड्स मुंबई में ही हो रहा है। हैज़ बिन फाउंड अनफिट इन A1 B1, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इनको जो है सो कि द रीजन फॉर टेम्प्ररी अनफिट इज राइट साइड हाइड्रोसिल, इनको जो है सो कि राइट साइड हाइड्रोसिल के कारण टेम्प्ररी अनफिट किया गया। ठीक है, आपका जो मैंने पिछले वीडियो में इनका जो मेडिकल का वो स्टैंडर्ड होता है, जिसमें इनको चेक होना करना होता है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मीना कुमारी, ये उनका साइन है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये वेस्टर्न रेलवे मुंबई का मोहर लगा हुआ, और यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर है। ओके, तो ये जो है सो कि फ्रेंड जो भी प्रॉब्लम हो रहा, सारा का सारा केवल मुंबई में ही क्यों प्रॉब्लम हो रहा। मेरा कहने का मतलब है, जब आपको चेक करना है तो सारे ही जोन में चेक कीजिए। ऐसा नहीं मैं चाहता हूँ सारे जोन के बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। मैं फिर तो ये बच्चों, मुंबई के जो बच्चे होंगे, ये अपने किस्मत को दोष मान रहे होंगे, यार मैंने मुंबई से क्यों भर दिया। आखिर शुरू में तो इनको नहीं ना पता था फॉर्म भरते टाइम कि आखिर यहाँ पे क्या चेक होगा। जैसे कि हम लोगों ने चेन्नई का किया, रांची का किया, उसके बाद हम लोगों ने आपका मालदा का किया, बहुत सारे जोन्स का हम लोगों ने इंटरव्यू कर लिया, और बहुत सारे जोन्स का भी आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा। और आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया 21 RRB का, जो भी जिस RRB का व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ओके, तो यहां पे जो है सो कि रेलवे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चेक कर रहे तो सारे करें, केवल मुंबई के ही बच्चों का आखिर ऐसा, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हैं, और आशा करते हैं कि जैसे कि धनबाद में जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। धनबाद से मैंने लाइव आप लोगों के लिए मेडिकल किया, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी स्मूथली चल रहा है। यहाँ बच्चों को ना हाइड्रोसिल टेस्ट हो रहा, ना फ्लैट फूट, ना नॉकनी, ना आँख, ना कान, कोई झमेला ही नहीं है। आँख वगैरह भी जो टेक हो रहा, आई टेस्ट, वहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा तो प्रॉपर आपको मौका दिया जा रहा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और जो भी रांची के बच्चे हैं फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए थोड़ा एक गुड न्यूज है कि हम लोगों से जो भी बन पाया हम लोगों ने आपके लिए करने की कोशिश किया है। आप जब रांची में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहाँ पे 3 शिफ्ट में बच्चों को बांटा जाता है, 3 जगह मेडिकल दिया जाता है, एक धनबाद है, एक जमशेदपुर है, और एक कहीं है। तो जिनको भी धनबाद मिलता है, तो चूंकि हम लोगों ने ये आप जो पोस्टर देख रहे हो, ये पोस्टर आपको जो है सो कि जब हॉस्पिटल में पहुँचोगे धनबाद में तो बाहर दीवार में चिपकाया हुआ मिल जाएगा। हालांकि कल बारिश वगैरह हुआ है तो गल वगैरह गया हुआ तो नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने बस कागज़ का ही चिपकाया था जेरोक्स करवा के, तो प्लास्टिक वगैरह का नहीं था कि वो पानी में नहीं गला होगा। तो चूंकि हम लोगों ने फर्स्ट दिन गया था वहाँ पे मेडिकल का लाइव रिव्यू करने के लिए, तो बच्चों को देखा हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा खाना को लेकर के प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि वो थोड़ा अंदर में है, वहाँ पे होटल वगैरह नहीं है, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है स्टेशन में, वहाँ का भी घटिया क्वालिटी का खाना मिलता है। और चूंकि हमारा कॉरपोरेट ऑफिस भी, मतलब कि हमारा जो स्टूडियो है वो धनबाद में ही है, ओके, तो हम लोग भी टिफिन सर्विस ही यूज करते हैं। तो हम लोगों ने जिस टिफिन से हम लोग खुद खाना मंगवाते हैं, उस टिफिन वाले का हम लोगों ने नंबर दे दिया है। तो जो भी बच्चे धनबाद में जा रहे हैं उस टिफिन पे फ़ोन करके डायरेक्टली अपना खाना मंगवा सकते हैं। उनको लगभग वो 40 रुपये के आसपास चार्ज करेंगे, और प्रॉपर उनका अच्छा खाना वो लोग दे देंगे। ओके, तो आप लोग जिनको भी धनबाद जा रहे हैं वो चाहे तो अपना लाइव मेडिकल रिव्यू भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और खाना वगैरह का भी जो भी आप जैसा भी आपको लगे, मन हो तो मंगवाना, नहीं मन हो तो मंगवाना। लेकिन ये जो मेडिकली जो जो चेक किया जा रहा मुंबई में फ्रेंड्स, ये रियली स्टूडेंट लोगों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। तो आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का कैसे कैसे कौन से जोन में चेक हुआ, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और सब लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाए चाहे जिस भी बोर्ड के हो। ओके, तो एक छोटा सा अपडेट था जो मुझे आपको देना था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।